Good morning, students. Myself, Pranya Binal. I am teacher of K2. Today, our subject is Hindi and topic is Swar. Swar means A se Ah tak. First of all, we can do action with oral in Swar. Now, आपको मेरे साथ एक्शन भी करनी है और मेरे साथ लिखना भी है, पर हम पहले ओरल करेंगे, बाद में लिखेंगे. नाउ स्टार्ट. अ से अना, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली. नाउ अब हम साथ में लिखेंगे. फर्स्ट अ से अनाज. स्टार्ट विथ स्मॉल लाइन. फर्स्ट आपको स्टैंडिंग लाइन करनी, स्लीपिंग लाइन करनी है. देन मेक अ थ्री टू कर्व्स. Do you know curve? One curve, two curve, then sleeping line, then standing line, then sleeping line. Now how to write in small line? हम small line में कैसे लिखेंगे वो मैम के साथ आपको देखना है. First again आपको three बनाना है, then sleeping line, then standing line, then sleeping line. इट मीन्स अ से अनार. अ से अनार होता है, अ से अदरक होता है, अ से अमरूद. अदरक वाली चाय पीते हो सब? अ से अनार हमने सीख लिया. देन आफ्टर नेक्स्ट इज आ से आम. फर्स्ट वन कव, टू कव, इट मीन्स थ्री. देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. इट मीन्स आ से आम. आपको पता है ना अभी कौन सी सीजन चल रही है? समर. ऑलमोस्ट सब अपने घर पे आम खाते हैं और बच्चों को आम तो बहुत ही पसंद होता है. आ से आम भी होता है, आ से आग भी होता है. नाउ नेक्स्ट ई से इमली. इमली खाते हो तो कैसा लगता है? खट्टा खट्टा लगता है ना सबको. ई से इमली. फर्स्ट आपको स्लीपिंग लाइन करनी है, देन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन मेक अ एस. एस करना है आपको और यहाँ से नीचे कर्व करना है. नाउ लुक एट हियर हाउ टू राइट प्रॉपरली. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, then S and curve. It is E से इमली. Then next is E से ईख. First हमको E से इमली बनाना है. जैसे E से इमली बनाया वैसे ही E से ईख बनाना है और उसके ऊपर हमें चंद्र बनाना है. जैसे कि हाफ सर्कल हम बनाते हैं वैसे करना है. ई से ईख. ईख किसको बोलते हैं? जो हम खटिया पे सोते हैं ना, तो वो जो पिल्लर होते हैं, इट मीन्स पिल्लर, उसको क्या बोलते हैं? ई से ईख. नाउ स्टार्ट ऊ से उल्लू. ऊ से उल्लू कौन होता है? जो रात को जागता है. पता है उसे उल्लू? उल्लू हर रोज रात को जागता है और दिन को वो सोता है. नाउ हाउ टू राइट उसे उल्लू? लुक एट हियर. वन कव, टू कव, देन ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन करनी है. देन उसे ऊन. उसे ऊन, ऊन को क्या बोलते हैं? आप सम विंटर सीजन में स्वेटर पहनते हो, जैकेट पहनते हो, जिसको हम बोलते हैं वूल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊ से ऊन. नाउ राइट विथ मी स्लीपिंग लाइन, फिर वन कर्व,
टू कर्व जैसे ऊ से उल्लू बनाया वैसे, देन यहाँ बीच में आपको स्लीपिंग लाइन करनी है और फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन। कैसे करना है, लुक एट हियर, स्लीपिंग लाइन, वन कर्व, टू कर्व, फिर ये बीच में जो गैप रहता है वन कर्व के पास, वहाँ पे आपको करना है स्लीपिंग लाइन एंड कर्व। ये हो गया आपका ऊ से ऊन। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सब बच्चों ने मेरे साथ लिख लिया है। नाउ अगर आपकी लाइन फर्स्ट फिनिश हो गई हो तो आपको नेक्स्ट लाइन में मेरे साथ आना है। री से ऋषि, री से ऋषि, ऋषि तो आप सब ने देखे होंगे, जैसे साधु महाराज होते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, री से ऋषि। ऋषि लिखने में थोड़ा टफ है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, देन आफ्टर राइट विथ मी। फर्स्ट आपको स्लीपिंग लाइन करनी है, स्टैंडिंग लाइन करनी है, देन स्लैंटिंग लाइन, देन अगेन स्लैंटिंग लाइन, देन यहाँ पे ये जो कर्व हुआ ये कोना है, वहाँ से आपको फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से आपको ऊपर थोड़ा कर्व करके फिर यहाँ सी बनाना है। जैसे आपने वन कर्व बनाया, स्टैंडिंग लाइन को स्लीपिंग लाइन करो, फिर ऊपर से आपको वन कर्व उल्टा थ्री बनाना है। समझ में आया? अगेन लुक एट हियर हाउ टू राइट दिस। फर्स्ट आपको स्लीपिंग लाइन, फिर यहीं जहाँ स्लीपिंग लाइन ख़त्म होती है वहाँ से ही ऊपर से आपको उल्टा कर्व बनाना है। इट मीन्स छोटा जो स्मॉल एबीसीडी का ई होता है वैसे दिखना चाहिए। देन अगेन आपको सी बनाना है। ये हो गया ऋषि का री। अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट इन स्मॉल लाइन। फर्स्ट हम करेंगे स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, कर्व करो एंड अगेन दूसरा कर्व। डन, लिख लिया सबने? नाउ ए से एडी, ए से एडी, ए से एडी कैसे लिखेंगे हम? पहले करेंगे स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, देन यहाँ पे आपको जे जैसा, जैसे जे का कर्व करते हैं ना, अगर ये नहीं समझ में आए तो आपको स्टैंडिंग लाइन करना है पहले, फिर आपको नीचे से यहाँ कर्व कर देना है, देन ऊपर आपको करनी है स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा ए से एडी। नाउ राइट इन स्मॉल लाइन विथ मी। स्लीपिंग लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व ए से एडी। नाउ नेक्स्ट लेटर इज एस ए एन। आपके घर में दादा दादी मम्मी पापा कोई तो घर में स्पेक्स पहनता होगा। स्पेक्स मीन्स चश्मे। चश्मे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एस ए एन। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए से एडी। स्टैंडिंग लाइन करनी है, स्लैंटिंग लाइन करनी है, देन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। ए से एनक में सिर्फ ऊपर आपको ऊपर मात्रा लगानी है। मात्रा कैसे लगाओगे? ये स्लैंटिंग लाइन की और फिर यहाँ से ऐसे कर्व कर देना है। ये ए से एनक के ऊपर मात्रा लग गई है। नाउ नेक्स्ट लेटर इज ओ से ओखली। ओ से ओखली, फर्स्ट हम लिखेंगे अ से अनार। ओ से ओखली लिखने के लिए फर्स्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा? अ से अनार। वन कर्व, टू कर्व, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन सेकंड स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। और हमने ये जो मात्रा लगाई ना वो हमें लगानी है, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे हम? जहाँ पे हमने अ आ, ऐसे कि ये जो लास्ट वाली लाइन है ना
वहाँ से आपको ऐसे स्लैंटिंग लाइन करनी है और ऊपर कर्व करना है। ये लास्ट वाली लाइन है, वहाँ से हम लाइन को स्लैंटिंग करेंगे देन कर्व करेंगे। ये हो गया हमारा ओ से ओखली नाव, औ से औरत, औ से औरत। मम्मी को हिंदी, मम्मी लेडीज है, लेडीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, औ से औरत। नाउ हाउ टू राइट औ से औरत, जैसे हमने ओ से ओखली लिखा वैसे ही हमें औ से औरत लिखना है। स्टार्ट, वन कर्व, टू कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। ओके, जहाँ हमने ओ से ओखली में वन मात्रा लगाई है, यहाँ हम औ से औरत में टू मात्रा लगाएंगे। तो फर्स्ट हम जैसे लास्ट वाली लाइन में लगाई थी वैसे ही लगानी है। तो नाउ गो स्लैंटिंग लाइन देन कर्व, अगेन यहीं से हमें ऊपर जाना है स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व। आई नो आपकी लाइन अब फिनिश हो गई होगी, है ना? तो सब बच्चों की लाइन यहाँ फिनिश हो गई, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट लाइन में आना है मैम के साथ। जैसे मैम ने वन लाइन टू लाइन, अब थ्री नंबर वाली लाइन में हमें आना है। ओके, आ गए सब? नाउ स्टार्ट। ओ से ओखली, औ से औरत, अब आएगा आम से अंगूर। आई नो आप सबको अंगूर बहुत ही पसंद होंगे, और अभी तो ये घर पे थे सब बच्चे तो आम के साथ साथ अंगूर भी आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, है ना? अंगूर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। नाउ स्टार्ट हाउ टू राइट अंगूर। अब देन स्टार्ट, वन टू कर्व, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, एंड ऊपर आपको छोटी सी डॉट करनी है, अंगूर, अम से अंगूर। देन लास्ट लेटर इज अह खाली, अह खाली। अह से कोई वर्ड्स होता नहीं है, लेकिन जब हम कोई वर्ड्स बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ बोलने में ओरल बोलना है अह खाली, लेकिन अह का जब हम वर्ड्स बनाते हैं तब हम यहाँ टू डॉट्स यूज करते हैं। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, वो आपको फर्स्ट ऑन वर्ड्स आएगा, लेकिन अह कैसे लिखना है वो आपको देखना है। वन कर्व, टू कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे आपको टू छोटे से डॉट बनाने हैं। ओके, ये हो गया अह खाली। अगेन पुट डाउन पेंसिल एंड लुक एट हियर, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली। आई होप आप सबको ये स्वर समझ में आया होगा, और घर पे आपको जैसे मैम ने एक्शन के साथ स्वर सिखाया है वही आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम व्यंजन करवाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ एक्शन स्वर। तो डू प्रैक्टिस एट योर होम स्वर विथ एक्शन। ओके, आई होप एंजॉय दिस सेक्शन। बाय।